सर हाँ बोलो बोलो। आप आज क्वेश्चन नंबर H5 बताने वाले थे ना, वो पिछले क्लास में आपने बताया था कि आज डिस्कस करेंगे। हाँ चलो वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ, है ना। देखो उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ दिया था। H5 वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ तो रिएक्शन था। इधर यूरेनियम था, वो बेरियम एंड क्रिप्टन में जा रहा था, साथ में 3 न्यूट्रॉन वो दे रहा था, प्लस एनर्जी ई दे रहा था। फिर बोल रहा था कि कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और कितने एनर्जी होगी। तो देखो एक्चुअल में वो चेन रिएक्शन था, मतलब कैसा कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फिर वापस वो फर्दर 3 रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, देन ये 1 रिएक्शन 3 रिएक्शन में कन्वर्ट होगी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो nth स्टेप में क्या होने वाला है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में कितने न्यूट्रॉन निकले, 3, और एनर्जी निकली ई। नेक्स्ट स्टेप में 3 3 3 न्यूट्रॉन, तो 3 की पावर, क्या हमने ज्यादा बना दिए क्या, हाँ। नेक्स्ट स्टेप में कितने न्यूट्रॉन निकले हैं, 9 निकले, बोलो 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 न्यूट्रॉन जी निकले। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब 9 9 9, मतलब 27। तो देखो पहले स्टेप में 3 की पावर 1, दूसरे स्टेप में 3 की पावर 2, तीसरे स्टेप में 3 की पावर 3, ऐसे nth स्टेप में कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 की पावर n। फर्स्ट स्टेप में देखो एनर्जी ई निकली है, सेकेंड स्टेप में इधर से ई ई ई, मतलब 3e। थर्ड स्टेप में ई ई ई ई ई ई ई ई ई, मतलब 9e। तो फर्स्ट स्टेप में ई, सेकेंड स्टेप में 3e, सेकेंड स्टेप में 3e, थर्ड स्टेप में 9e। तो देखो 3 की पावर n-1e चल रहा है, 3 की पावर n की जगह 1 रखोगे तो 3 की पावर 0 e के इक्वल आएगा। सेकेंड में अगर तुम लोग 3 की पावर 2 रख दोगे, 3 की पावर 2-1e, तो 3 की पावर e आ जाएगा, इधर से 3 की पावर 3-1e, तो यहाँ से 9 e आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? यस सर। तो ऐसा हम लोग करेंगे, वो एक चेन रिएक्शन है, वो 1 से 3, फिर 3 से 9, फिर 9 से 27, ऐसा होगा उसमें प्रोड्यूस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट लिख देंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोड्स के बारे में बात करते हैं। नोड वर्ड का मैंने तुम्हें पहले भी नाम लिया है, नोड्स के बारे में, नोड क्या होता है, हाँ सर, क्या होता है नोड? सर वो डंबल शेप में जो जॉइंट पॉइंट रहते हैं वो सर। ठीक है, तो मैंने इसका मीनिंग वहां पर भी यही बोला था, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा, जीरो। जीरो। तो ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज नोडल सरफेस, इसको हम लोग नोडल सरफेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, है ना, एक्सिस बनाई मैंने, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक ऑर्बिटल बनाया,
ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन है अंदर, है ना, ये कौन सा ऑर्बिटल है कोई मुझे बता सकता है? सर आप जूम आउट कर सकते हैं क्या? सर आप थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं सर, मुझे इट इज आल्सो नोन एज मॉडल सरफेस तक ही दिख रहा है, उसके नीचे का दिख नहीं रहा। तो इसके नीचे का नहीं दिख रहा का क्या मतलब है? सभी को दिख रहा है प्रॉपर जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ? एक यहाँ पर एक्सिस होगी मेरी जेड वाली भी, जो मैं ऐसे बना देता हूँ, परपेंडिकुलर प्लेन से बाहर होगी, है ना, प्लेन के बाहर होगी इधर एक जेड एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मैंने एक ऑर्बिटल बनाया है, बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी एक्स ऑर्बिटल है, है ना। अब मैं इसमें है ना नोडल सरफेस तुम्हें बता रहा हूं, नोडल सरफेस का मैं नाम लिख रहा हूं, तुम मुझे बताना क्या ये नोडल सरफेस है या नहीं। मैंने बोला जो इसमें नोडल सरफेस है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इसमें नोडल सरफेस है वो है मेरी y z प्लेन। तुम इसके अंदर y z प्लेन को अज्यूम कर पा रहे हो? y z प्लेन कौन सा होगा? हाँ सर। एक ऐसा प्लेन लो जो मैंने, जो तुम्हारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो और y एक्सिस से पास कर रहा हो, पूरा y एक्सिस से पास कर रहा हो, तुम्हारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो, तो क्या वो नोड वाले पॉइंट से भी पास करेगा? Yes, तो ये पूरा का पूरा वाइजेड प्लेन ऐसा है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग वाइजेड प्लेन को क्या बोल रहे हैं? नोड बोल रहे हैं या फिर नोडल सरफेस बोल रहे हैं। तो वाइजेड प्लेन मेरा नोडल सरफेस है, सभी को समझ आ गया? सर वाई और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन है ना सर? कहाँ है इलेक्ट्रॉन बता? सर वो आपने एक डॉट 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 करके बनाया ना एक लेफ्ट साइड में। अरे देख यार अभी मैंने 3D में डायग्राम मैं बना नहीं सकता। अरे तू इसमें वाई जेड प्लेन को अज्यूम कर पा रहा है? वाई जेड प्लेन कहाँ होगा? हाँ सर आपने बनाया दिख रहा है वो। मैंने प्लेन बनाया ही नहीं है, तुम्हें अज्यूम करने को ही बोला है बस। रुको एक सेकेंड रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्सिस वाई जेड प्लेन को यार अब तुम अज्यूम नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे मैं बताऊंगा यार। देखो मैं तुम्हें बना के बताता हूँ ना, एक सेकंड रुको। तुम अज्यूम नहीं कर पा रहे हो यार, बहुत दिक्कत है। तो इतना तो अज्यूम करना आना ही चाहिए, अगर ये अज्यूम करना नहीं आ रहा वाई जेड प्लेन तो कैसे होगा फिर? ये लोब भी मेरा 3D में है, ये जो मेरा लोब है ना, ये लोब मेरा 3D में है बट एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये जो मेरा लोब है ये 3D में है बट एक्स एक्सिस के अलोंग है। रुको मैं करके बताता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड वेट करो। अगर उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो देन इमेजिनेशन यार, इतना इमेजिनेशन तो होना चाहिए कि तुम एक्सिस में प्लेन्स को अज्यूम कर पाओ कि कहाँ एक्स वाई प्लेन है, कहाँ वाई जेड प्लेन है, कहाँ जेड एक्स प्लेन है। हाँ तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हो रहा है। ये एक्स वाई एक्सिस में प्लेन अज्यूम कर पा रहे हो अब दिख रहे हैं प्लेन? हाँ सर। ठीक है अब इन दोनों में है ना, पहले तो तुम प्लेन अज्यूम कर लो, वाई जेड प्लेन नजर आ रहा है? वाई जेड प्लेन हाँ सर ग्रीन वाला। वाई जेड प्लेन ग्रीन वाला है ठीक है।
अब एक जो मैंने लोब बनाई है उसको अज्यूम कर लो, जो मेरी लोब है उसको अज्यूम कर लो तुम, ये वाइजेड प्लेन ग्रीन वाला है, लोब मेरी ये लोब के बीचों बीच से पास हो रहा होगा, लोब का जो बीच में जिस जॉइंट पॉइंट को मैंने नोड बोला था वहां से पास हो रहा होगा ना, ये लोब से तो कट नहीं कर रहा, लोब को तो कट नहीं करेगा, नहीं सर। अब समझ गया, वाईजेड प्लेन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, या अभी भी समझ नहीं आया? नहीं सर, हाँ समझा। ठीक है, तो देखो प्लेन्स ऐसे होते हैं, इनको देख लो अभी सभी लोग, कौन सा प्लेन कौन सा है। जैसे है ना, मेरा जो ये वाला प्लेन है, ये ऑरेंज वाला प्लेन, ये कौन सा है? क्योंकि देखो y एक्सिस तो ऊपर है ना, ये xz प्लेन है सर। हाँ सर। और ये ब्लू वाला कौन सा है? xy प्लेन yx प्लेन, जो तुम्हारी मर्जी वो बोल दो। और जो एक ग्रीन वाला है, ये कौन सा है? yz। ये मेरा yz प्लेन है। समझ गए कहानी नोड की? नोड क्या होता है? ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नोड के बारे में बात करते हैं। देखो नोड कैलकुलेट करना, नोड के बारे में आइडिया होना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो मेरी नोड्स होती है, मतलब जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नोडल सरफेस, जो मेरी नोड या फिर नोडल सरफेस होती है, एक्चुअल में वो दो टाइप की होती है ना, दो टाइप की होती है मेरी नोड्स। कौन कौन सी? एक तो होती है, अरे यार, एक तो होती है कौन सी, एंगुलर नोड, और एक होती है रेडियल नोड। ये क्या होती है, इनके बारे में अभी मैं करूंगा बात, बट अभी क्लासिफिकेशन सुन लो। एक होती है एंगुलर नोड, एक होती है रेडियल नोड। एंगुलर नोड का एक और नाम होता है क्या, नोडल प्लेन। मतलब एक वो प्लेन होगा, प्लेन और सरफेस में मतलब डिफरेंट समझते हो, डिफरेंस समझते हो प्लेन और सरफेस में क्या डिफरेंस होता है? No, sir. Yes, sir. क्या डिफरेंस होता है प्लेन और सरफेस में? टू डी और थ्री डी? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेन का मतलब तो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मतलब एकदम प्लेन हो, प्लेन मतलब एकदम बिल्कुल फ्लैट हो, उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। जैसे हमारे जो हमारा घर के अंदर जो हमारा फर्श होता है, फर्श का एकदम प्लेन होता है ना, उसको हम लोग एक प्लेन बोल सकते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन, हम लोग एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन क्यों बोला, एक्स जेड सरफेस क्यों नहीं बोला? सरफेस तो होती है जो थोड़ी ऊपर नीचे हो, लाइक स्फेरिकल सरफेस हो, है ना, ऐसा हो ना, कॉनिकल सरफेस हो, उसको बोलते हैं। जो फ्लैट होता है एकदम, उसको प्लेन बोलते हैं। अभी मतलब समझ आया प्लेन और सरफेस का? Yes, sir. प्लेन का मतलब जो एकदम प्लेन हो, फ्लैट हो, वो प्लेन होता है। और सरफेस मतलब वो ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक स्फेरिकल सरफेस हो या फिर कॉनिकल सरफेस हो, कैसा भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो देखो एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन, मतलब एक हमेशा एंगुलर नोड एक प्लेन ही होगा। रेडियल नोड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड क्यों? क्योंकि स्फीयर के शेप का होगा। जो मेरा नोड होता है एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन, वो किसके इक्वल होता है? वो एल के इक्वल होता है। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन एल के इक्वल होता है। और जो मेरा स्फेरिकल नोड है या फिर रेडियल नोड, वो होता है एन माइनस एल माइनस वन के इक्वल। ये डायरेक्टली हमें याद रखना है। एन और एल के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब देखो नोड दो तरह के होते हैं, एंगुलर नोड या रेडियल नोड। तो अगर मैं तुमसे बात करूं टोटल नोड्स कितने हुए किसी भी ऑर्बिट में, टोटल नोड कितने हुए? एक तो एन मतलब एंगुलर नोड और एक आर एन मतलब रेडियल नोड। मतलब एल प्लस एन माइनस एल माइनस वन, ऐसा ही होगा? बोलो एन माइनस वन। हाँ, तो n माइनस एल माइनस वन, तो टोटल नोड्स कितने हो गए? टोटल नोड्स हो गए n माइनस वन, ठीक है। तो हमें टोटल नोड का ये फॉर्मूला भी याद रखना है विद इंडिविजुअल नोड्स के साथ।
कि कौन कौन से नोड कौन कौन से हैं, इसके साथ हमें याद रखना है। तो एंगुलर नोड हमेशा एल के इक्वल होता है, टोटल नोड हमेशा एन माइनस वन के इक्वल होता है, रेडियल नोड एन माइनस एल माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, एक पॉइंट लिखवाता हूं नोट डाल के, है ना, ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूं इन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हो, है ना, कोई सा भी ऐसा ऑर्बिटल हो, 1s 2s 3s 4s 5s, इन एस ऑर्बिटल एंगुलर नोड इज ऑलवेज जीरो। एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड हमेशा जीरो होता है, क्यों? क्योंकि एल का वैल्यू जीरो होता है, बिकॉज फॉर एस वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो। तो हमेशा याद रखना, कभी भी एस ऑर्बिटल हो तो उसमें हमेशा एंगुलर नोड जीरो ही होता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं जो उसमें टोटल नोड होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियल नोड के, जीरो नहीं, एंगुलर नोड जीरो हुआ है, रेडियल नोड जीरो नहीं हुआ है। तो हमेशा उसमें टोटल नोड किसके इक्वल होगा, अरे समझ आ रही है ये बात या नहीं आ रही? टोटल नोड एन माइनस वन, और एन माइनस वन तो एल ही होता है ना। नहीं, मैं उन वैल्यूज की बात नहीं कर रहा कि कौन क्या होता है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड जीरो होता है, क्यों? क्योंकि एल का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। अब मैंने बोला टोटल नोड इज इक्वल टू एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, अब एंगुलर नोड जीरो हो गया तो टोटल नोड तो रेडियल नोड के इक्वल होगा ना। अब वो तो मुझे पता है अल्टीमेटली वैल्यू तो एन माइनस वन ही आना है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ टोटल नोड हमेशा रेडियल नोड के इक्वल होगा एस ऑर्बिटल में। इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, अब एक एक करके है ना मैं सभी का एग्जांपल ले लेके बताता हूँ, उससे तुम्हें एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं कम से कम तुमको देख लो 6 एग्जांपल दूंगा, टोटल 6 एग्जांपल के अंदर अंदर तुम्हें फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1, पहले एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1s एग्जांपल नंबर 1। पहला एग्जांपल किसका ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग 1s का। 1s में नोड निकालते हैं, तो तुम बताते जाना मुझे एंगुलर नोड कितना होगा 1s में और रेडियल नोड कितना होगा 1s में। बोलो बोलो जल्दी बोलो, एंगुलर नोड कितना होगा 1s में? जीरो। जीरो। जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एल का वैल्यू जीरो है। रेडियल नोड कितना होगा? जीरो। जीरो। रेडियल नोड होगा एन माइनस एल माइनस वन, मतलब एन का वैल्यू 1s में कितना है? वन। एल का वैल्यू जीरो माइनस वन, तो रेडियल नोड भी आ गया जीरो। तो यहां से टोटल नोड कितने आए? जीरो। 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 तो मतलब मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि मेरे मेरे 1s में कोई नोड ही नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। तो 1s में नोड नहीं होता, यस ये बात सही है। तो वो दिखेगा कैसा? 1s होता है स्फेरिकल शेप का, ऐसा एक स्फीयर होगा जो मैंने बनाया, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, यस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, मैंने डॉटेड से उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं। क्या इस पूरे ऑर्बिटल में कोई ऐसा तुम्हें रीजन या ऐसा कोई प्लेन या ऐसा कोई सरफेस दिख रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है? इस ऑर्बिटल के अंदर अंदर कहीं दिख रहा है? बोलो। नहीं सर। दिख रहा है क्या?
नहीं, तो इसमें कहीं भी नोड नहीं है. एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू हम लोग ले रहे हैं किसका, 2s का. सर an का फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू l एंड an इज इक्वल टू l जो कि जीरो हो गया, और rn इज इक्वल टू n माइनस l माइनस वन, और टोटल होता है n माइनस वन. ठीक है, अब 2s के बारे में बात करता हूं. 2s में एंगुलर नोड बोलो और रेडियल नोड बोलो, जल्दी से बोलो. एंगुलर नोड जीरो, क्योंकि अरे भाई s की वैल्यू, s के लिए l जीरो होता है, तो एंगुलर नोड तो ऑलवेज जीरो. रेडियल नोड वन वन टू माइनस l माइनस वन, मतलब टू माइनस जीरो माइनस वन, तो ये आ गया वन. और टोटल नोड वन, वो तो वन होगा क्योंकि एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, तो वन आ गया. मतलब एक नोड मेरा होगा, और वो कहां होगा, कैसे होगा, उसको मैं ड्रॉ करके बताता हूं. वन एस का एस ऑर्बिटल के शेप कैसा होता है? स्फेरिकल है ना. तो देखो कैसा दिखेगा, इसमें एक रेडियल नोड होगा. रेडियल नोड का एक और दूसरा नाम मैंने क्या लिखवाया था, देखो यहां पर रेडियल नोड का एक और नाम लिखवाया था स्फेरिकल नोड. क्यों? क्योंकि वो स्फेयर के शेप का होता है. वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा होता है. देखो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. देखो ऐसा मेरा दिखेगा कौन, 2s. अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर. यस, इलेक्ट्रॉन है, जहां डॉटेड एरिया है वहां इलेक्ट्रॉन से. फिर बीच में कुछ रीजन खाली है, फिर वापस से मेरे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं. तो ये जो बीच में रीजन खाली है, ये रीजन कौन सा है? ये रीजन को क्या बोलेंगे हम? नोडल, रेडियल नोड. ये रेडियल नोड है. क्या ये तुम्हें स्फेरिकल शेप जैसा दिख रहा है? किसका शेप स्फेरिकल होगा बोलो? दिख रहा है स्फेरिकल शेप जैसा, क्योंकि स्फीयर के बीच में कहीं आ रहा है पूरा. देखो एक अंदर मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, फिर बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली है, फिर वापस से उसके ऊपर एक और लेयर आ गई है. तो बीच में जो रीजन खाली, इसी को हम लोग रेडियल नोड बोलेंगे. ये किसी पर्टिकुलर रेडियस पर जाकर मिल रहा है, और ये स्फेरिकल शेप का, इसलिए हम लोग इसको स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं. मतलब इमेजिन कर पा रहे हो ना कैसा होगा? सर वो मतलब टोटल तीन स्फीयर है? स्फीयर तीन नहीं है, स्फीयर तो पूरा एक ही है, बट पर्टिकुलर बीच में एक ऐसा स्फेरिकल रीजन आ गया है जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको स्फेरिकल नोड बोल रहे हैं. वो थोड़ा सा मैंने ना डिफरेंशिएट करने के लिए तीन स्फीयर से बना दिए, समझ रहे हो? स्फीयर तो पूरा एक ही है, बट वो बाउंड्री लाइन मैंने बना दी है ताकि तुम्हें क्लियर हो. अगर मैं बाउंड्री नहीं बनाऊंगा तो फिर थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए वो मैंने बाउंड्री बनाई है सिर्फ. समझ गए या नहीं समझे? सर वो खाली क्यों होता है? अब खाली क्यों होता है ये नहीं पता, बट खाली होता है. अब तुम कल को ऐसा बोलो कि ना, क्या बोलूं यार, भी एग्जांपल भी बड़े अजीब गरीब से आते हैं, मेरे को तुम्हारे सामने बोलना नहीं चाहिए. कल को तुम ऐसा बोलो कि यार के ना क्या बोलते हैं, बीएड्स है ना, लड़कों के क्यों आती है, लड़कियों के क्यों नहीं आती है ना, ऐसे ऐसे वो होता है. वो अब ऐसा दुनिया में ऐसा ही होता है. मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई रीजन नहीं होता. वो सीन है यहाँ पर. ठीक है, ये मतलब लास्ट टाइम यार तुम्हारे बैच में मैंने बोला था कि ये उल जलूल टाइप के डाउट होते हैं ना, ये मत पूछा करो. हर चीज में क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं हो सकता. ठीक है, कुछ चीजें हमें माननी भी पड़ेगी कि हाँ ऐसा ही होता है, तो वो चीज है यहाँ पर. अब 3s की हम लोग बात करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, 3s. 3s में देखो एंगुलर नोड कितनी होगी? जीरो. जीरो एंगुलर नोड होगी, जीरो. और रेडियल नोड? टू.
और टोटल नोड टोटल नोड्स भी टू, ठीक है। अब इसमें जो दो स्फेरिकल नोड होगी, दोनों नोड स्फेरिकल नोड ही होगी, तो वो कैसी होगी उसको मैं बनाता हूँ, है ना, उसको मैं ड्रॉ करके तुम्हें बताता हूँ, तो देखना तुम। यहाँ पर बना देता हूँ ना, अब देखो कैसा होगा इसमें ना, वो मैं बताता हूँ। ये मैंने बना दिया, मैं ना फिल करता हूँ इसमें। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर एक स्फीयर स्फेरिकल नोड होगा, फिर और यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर वापस एक स्फेरिकल नोड आएगा, फिर वापस बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखो स्फीयर तो पूरा एक ही है, जिसकी से बड़ा स्फीयर है ना वही स्फेरिकल नोड, मतलब एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट नहीं है, एक पूरा का पूरा स्फीयर है अंदर। एक पॉइंट कैसे हो सकता है, डायग्राम से कैसे तुम्हें लग रहा है, मतलब नोड मतलब जो जगह खाली है वो। हाँ नोड मतलब पूरे ऑर्बिटल में कहाँ कहाँ ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिटल के अंदर ही देखना, ऑर्बिटल के बाहर नहीं भागना है। अब देखो दो स्फेरिकल नोड दिखी, दो रीजन मैंने इसमें ऐसे बना दिए जहां पर, दो स्फीयर जैसे रीजन बना दिए जहां पर नोड नहीं है, जहां पर सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 3s में दिखा ऐसे ही दो आएंगे, बोलो। यस सर। ये 1s था, ये 2s है और ये 3s है। ऐसा ही सेम डायग्राम तुम 4s, 5s, 6s, 7s के लिए ड्रॉ कर सकते हो, बस नोड्स बढ़ाते जाना है, कर सकते हो ना ड्रॉ। यस सर। ठीक है sir. अब एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में ना मैं तीन चीजें एक साथ ले रहा हूं, कौन कौन, एक तो 2px, 2py एंड 2pz। पी के तीनों ले लिए, 2p के तीनों ले लिए। एस में तो देखो एक ही होता था, तो एस में तो एक ही लिखा, पी में तीन होते हैं तो तीनों को एक साथ ले लिया। अब इन तीनों के लिए है ना नोड्स का नंबर सेम आएगा, नोड हो अलग अलग सकते हैं बट नंबर सेम आएगा। जैसे मान लो इनके लिए मैं तुमसे एंगुलर नोड पूछूं, तो एंगुलर नोड कितने बताओगे तुम 2p के लिए? एंगुलर नोड 1 क्यों, 1 क्यों? L का वैल्यू 1। L का वैल्यू 1 होता है। रेडियल नोड बताओ, रेडियल नोड कितने होंगे? 2। जल्दी बोलो रेडियल नोड। 0। N माइनस L माइनस 1, N का वैल्यू 2, L का वैल्यू 1, फिर वापस 1, तो ओवरऑल रेडियल नोड आ गया 0। मतलब कोई भी इसमें स्फेरिकल जैसा नोड नहीं दिखेगा। देन हम लोग बात करते हैं किसके लिए, टोटल नोड्स। तो टोटल नोड्स कितनी हुई? 1। अब वो 1 नोड होगी कहां, कैसे, वो मैं बताता हूं तुम्हें, है ना, ध्यान से देखना। इसके लिए पहले तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, पहले तो मुझे वो ड्रॉ करने पड़ेंगे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो पहले मैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। अब है ना तुम खुद से ही मुझे बताना कि आंसर क्या होगा, एक मैं तुम्हें बताऊंगा बाकी तुम्हें खुद से बताना है ना। तो पहले तो मैं इनमें नेमिंग भी दे देता हूँ, क्या है, कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है। ये एक्स, ये वाई,
एन ये जेड, एक्स है ये एंड दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड, सेम एक्स वाई एंड जेड। तो मैं बना देता हूं, देखो क्या कुछ अलग से बनाते हैं इसमें। ये एक मैंने ये बनाया, इधर लूप ऐसा होगा, अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही है। एक मैंने ऐसा कुछ बनाया, और एक मैंने ऐसा कुछ बनाया, क्या ये px है? Yes, बोलो सर। Yes, sir. तो इसको px ना बोलकर अभी मैं 2px की बात कर रहा हूं, तो इसको लिख देता हूं मैं 2px। इसको क्या बोलूंगा सेकंड वाले को? 2py। और थर्ड वाले को 2pz, ऐसा ही बोलूंगा। बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो मैं इसमें बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 2px में एक एंगुलर नोड है। वो एक एंगुलर नोड कौन सी है? वो है इसमें जो एक एंगुलर नोड है वो है वाई जेड प्लेन। सर वो कैसे कैसे होगी, वो मैंने तुम्हें अभी बताया है। टू पी एक्स में एक वाई जेड प्लेन मेरा एंगुलर नोड होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर ऊपर देखो, पी एक्स बनाया था उसमें बोला था मैंने वाई जेड नोडल प्लेन है। समझ गए? यस सर। बोलो तो मुझे बताओ 2py में नोडल प्लेन कौन सा होगा? एक्स जेड प्लेन। यस, एक्स जेड प्लेन मेरा 2py में नोडल प्लेन होगा। 2pz में कौन होगा? xy प्लेन। यस, तो मुझे पता पड़ गया इन सब में 2px, 2py, 2pz, इन तीनों में क्या है, एक एक एंगुलर नोड है, वो कौन सी है वो तुम याद रख लो। अच्छा मैं तुम्हें जनरलाइज भी बता देता हूं। जो हमारे पास px, py और pz होता है, इसमें जो एंगुलर नोड्स होती है वो फिक्स होती है। रेडियल नोड के बारे में बात नहीं कर रहा, एंगुलर नोड फिक्स होती है। एंगुलर नोड पी में हमेशा वन ही होगी, क्यों? क्योंकि पी के लिए एल का वैल्यू हमेशा वन ही होता है, इसलिए एंगुलर नोड हमेशा पी में वन ही होगी। कौन कौन सी होगी वो मैं तुम्हें बता देता हूं। क्या पी एक्स में हमेशा एंगुलर नोड होगा वाई जेड प्लेन, पी वाई में हमेशा होगा एक्स जेड प्लेन, और pz में हमेशा होगा xy प्लेन। ठीक है, ये इनकी क्या है, ये इनकी एंगुलर नोड है। ठीक है, चाहो तो तुम याद भी रख सकते हो उसको कैसे होती है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। चलिए एग्जाम्पल 4 हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ये अच्छा एग्जाम्पल है 5 वाला। इसमें हम लोग बात करते हैं सिर्फ 3px के लिए। 3px में मुझे बताओ an क्या होगा, rn कितना होगा, एंड एंगुलर नोड कितना होगा, सॉरी टोटल नोड कितना होगा। जल्दी से एंगुलर नोड वन, रेडियल नोड वन, एंगुलर नोड वन, रेडियल नोड भी वन एंड टोटल नोड्स टू। तो px में एक एंगुलर नोड होता है, वो कौन सा होता है? वाई जेड प्लेन। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी। बोलो sir. अब इसमें एक रेडियल नोड होगा वो कौन सा होगा उसके बारे में बात करते हैं, है ना? तो एक रेडियल नोड होगा वो कौन सा होगा उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक इसमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बोलता हूं ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अबे यार क्या है इसको,
अब इसमें मैं एक अपना क्या बनाता हूं, मेरा ऑर्बिटल बनाता हूं px 3px, यहां पर नहीं लिखता हूं नेम, बाद में लिखूंगा। ऐसा होगा मेरा 3px है ना, क्या ऐसा ही होगा 3px? यस यस। इसमें एक एंगुलर नोड होगी, कौन सी होगी वो? वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। मेरी एक एंगुलर नोड होगी वाई जेड प्लेन, जो वाई जेड प्लेन पास होगा ना इसके ऊपर से, जैसे मान लो यहां से मान लो पास हो रहा है क्या, यहां से मेरा ये वाई जेड प्लेन है ना, सपोज करो ये वाई जेड प्लेन है, तो एक तो ये इसका क्या होगा, एंगुलर नोड होगा। अब रेडियल नोड क्या होगा, इसमें एक है ना, इमेजिन करो एक स्फीयर, इमेजिन करो इसके चारों तरफ एक स्फीयर इमेजिन करो, तो मैं इमेजिन करने के लिए एक स्फीयर बना ही देता हूं, है ना, मैं एक स्फीयर इमेजिन करने के लिए इसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। परफेक्ट तो नहीं बनाए बट ठीक है, स्फीयर, एक स्फीयर इमेजिन किया तुमने, बोलो दिख रहा है कि स्फीयर, एक पर्टिकुलर रीजन दिख रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, दिख रहा है सर। तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स या तो यहां होंगे या फिर यहां होंगे, यहां स्फीयर वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। अब जो स्फीयर मैंने बनाया उसको मैं हटा देता हूं, मिटा देता हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा दिखेगा नहीं कभी, इसलिए इसको मैं हटा देता हूं, जितना उसका पार्ट है ऑर्बिटल का उतना ही रखता हूं बस। इमेजिन करने के लिए मैंने बनाया था, मैं वापस मिटा दिया उसको। सर ये dz स्क्वायर के जैसे वो रिंग था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने, अपने मन से कुछ भी अज्यूम ना करो, जो जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही मानो। तो देखो इतना सा पोर्शन था जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि स्फेरिकल रीजन वाला पोर्शन था, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल नोड या फिर रेडियल नोड, समझ रहे हो बात को? बोलो। तो दोनों नोड दिख गए इसमें, एक स्फेरिकल नोड और एक एंगुलर नोड, या फिर एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड, दोनों नोड दिख गई, कैसे होगी? बोलो यार। हाँ सर। ठीक है चलिए, अब नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल मेरा, एग्जांपल नंबर 6। वह एग्जाम्पल क्या है, किस किस के बारे में बताना है मुझे, मुझे बताना है 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx square minus y square and 3dz square, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। मैं 3D क्यों लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे एंगुलर नोड को समझाना है, रेडियल नोड को नहीं, ठीक है, तो उसको बारे में मैं बात करता हूँ। चलो इसमें है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं एंगुलर नोड कितनी होगी तो वो बताओ, रेडियल नोड कितनी होगी तो वो बताओ, और टोटल नोड कितनी होगी तो वो बताओ। सर एंगुलर नोड मिला के क्या, मतलब एंगुलर नोड का मिला के? अरे देखो नोड का नंबर सिर्फ 3D पर डिपेंड करेगा, 3D xy yz zx पर नहीं, क्योंकि नोड का नंबर तो n और l पर डिपेंड कर रहा है ना, सभी के लिए n और l का वैल्यू तो सेम है।
सर एंगल नॉट टू रेडियन नॉट जीरो एंड टोटल नॉट टू एंगुलर नॉट कितनी है टू टू है रेडियल नोट तुम कैलकुलेट कर लेना एन माइनस एल माइनस वन वाले फॉर्मूले से मतलब थ्री माइनस टू माइनस वन तो जीरो आएगा टोटल नोट्स आएगी टू तो सभी में सिर्फ एंगुलर नोड होगी रेडियल नोड नहीं होगी थ्री डी वाले में अब होगी कैसे उसको मैं एक एक करके समझाता हूँ ना ध्यान से सुनना चलिए देखो मैं ड्रॉ करता हूं मेरा ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर मान लीजिए यहाँ x एक्सिस है ठीक है यहाँ मान लेते हैं मेरा x एक्सिस है ये मेरा y एक्सिस है ठीक है मैंने एक ऑर्बिटल ड्रॉ करा मुझे बताना ये कौन सा ऑर्बिटल है ना चारों लोब्स एकदम दिखने में एक जैसी है मैंने बनाया थोड़ा अच्छा मेरे से बना नहीं डायग्राम बट मानना कि चारों लोब्स दिखने में एकदम एक जैसी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये लोब्स लोब्स के अंदर तो होते ही हैं इसमें दो एंगुलर नोड आएगी पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया है डी में डी एक्स वाई ये मैंने ड्रॉ किया है डी एक्स वाई अब इसमें दो ऐसे प्लेन होंगे जो एंगुलर नोड होंगे कौन से होंगे दो प्लेन बता दीजिए मुझे Y, Z और XZ. Yes, correct. बहुत बढ़िया इसमें देखो दो प्लेन ऐसे होंगे जो मेरे एंगुलर नोड होंगे मतलब एक नोडल प्लेन होंगे कौन कौन से एक तो होगा वाई जेड प्लेन इमेजिन करो तुम लोग इन दोनों प्लेन्स को एक होगा मेरा एक्स जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन दोनों इसके नोडल सरफेस या फिर एंगुलर नोड है क्या इमेजिन कर पा रहे हो हाँ सर यस सर ठीक है अब सेम ऐसे ही वापस में दो डायग्राम और ड्रॉ करता हूं ना सेम इसमें मैं बोल देता हूं ये मेरा वाई एक्सिस है ये जेड एक्सिस है ये मेरा एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस है अंदर में इसमें बना देता हूं मेरे ऑर्बिटल थोड़े मेरे से डायग्राम अच्छे नहीं बन रहे तो बुरा मत मानना ड्राइंग थोड़ी बेकार है मेरी है ना बट फिर भी मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूं ये दो और ऑर्बिटल बनाए मैंने है ना अब पहले तो मुझे बताओ ये दूसरा वाला कौन सा ऑर्बिटल है और तीसरा वाला कौन सा ऑर्बिटल है पहले तो बता दो सर दूसरा वाला डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स या फिर एक्स जेड जो तुम्हारी मर्जी है वो बोल दो अब इनमें दो एंगुलर नोड है दोनों है कौन कौन से वो बता दो पहले वाले में बताओ कौन कौन सा होगा एक्स जेड और एक्स वाई एक तो एक्स वाई प्लेन और एक एक्स जेड प्लेन ठीक है दो प्लेन इसमें इमेजिन करो ये दोनों प्लेन इनके एंगुलर नोड होंगे कौन कौन से एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन सेम ऐसे ही नीचे वाले में बोलो एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन ये दोनों प्लेन इनके एंगुलर नोड होंगे क्योंकि सभी में दो दो एंगुलर नोड है चलिए इनमें तो हो गया थोड़ा आसान काम अब दो बच्चे और ऑर्बिटल उनमें बात करते हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को बताने में बट देखते हैं क्या तुम बता पाते हो या नहीं एक तो मैं ये बना देता हूं है ना और एक और बना देते हैं ऐसा चलिए एक तो मेरा ऑर्बिटल है ना ये है अबे यार एक तो मेरा ऑर्बिटल है ये है
है ना, और एक और ड्रॉ कर रहा हूं, एक है ये, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, वही ऑर्बिटल के अंदर, जैसा कि हमेशा होती है। सारी लोब्स है ना, चारों लोब्स एकदम आइडेंटिकल शेप एंड साइज की होगी, बस अभी डायग्राम में तुम्हें दिख नहीं रहा, बट होगा हमेशा ऐसा ही, ऐसा ही। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी और इसमें एक रिंग में भी होगी। ऊपर वाला कौन सा ऑर्बिटल है? dx² - y² यस करेक्ट। ऊपर वाला है dx² - y² और नीचे वाला dz² अब इसमें दो एंगुलर नोड या फिर नोडल सरफेसेस होगी, दो, वो कौन सी होगी? क्या सर? अरे सर, दो जो भी नोड और वाई जेड, अरे तुम सोचो एक्सजेड प्लेन आएगा तो वो तो ऑर्बिटल से पास हो जाएगा ना, वो कहां से होगा? दो प्लेन ऐसे डिसाइड करो, देखो मैं खुद ही बता देता हूं। एक प्लेन तो देखो ये रहा, एक प्लेन जो एक्स वाई के एंगल वाई सेक्टर से जाएगा, और सेम वापस जो एक्स वाई के एंगल वाई सेक्टर से जाएगा। दिख रहे हैं दो प्लेन? दिख रहे हैं क्या दो प्लेन? हाँ सर। ये यहां से ये एंगल कितना होगा? एक्सजेड। ये एक्स एक्सिस से ये प्लेन कितना एंगल बनाएगा अगर एक्स वाई का एंगल वाई सेक्टर 45 डिग्री, ठीक है? और ये वाला एंगल कितना होगा यहां से? -45। अरे डायरेक्शन बना दिया ना, माइनस प्लस कुछ नहीं होता, 45 डिग्री होगा ना, यहाँ इधर से मेजर कर रहे हैं तो, ठीक है? तो ये दो प्लेन समझ गए, x² - y² में इन प्लेन का मैं कुछ नाम नहीं दे सकता, तो मैंने बना के दिखा दिए तुम्हें। ये दो एंगुलर नोड एंगुलर आएंगे, समझ गए? Yes, sir. अब देखो इस डायग्राम को, dz square वाले डायग्राम को तुम अच्छे से इमेजिन कर पाते हो क्या? ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है, एक तो ऐसी रिंग होती है, और रिंग का जो सेंटर होता है वहां से ही ऊपर एक लोब जा रही होती है, और उस रिंग के सेंटर से ही नीचे एक लोब जा रही होती है। क्या लोब और रिंग एक दूसरे को टच करते हैं? हाँ सर, एक पॉइंट। नहीं टच करते भाई, नहीं टच करते। एक लोब है जो कि जेड एक्सिस के लोब है, और जो रिंग है ना? वो, अरे तो ये सेंटर है तो क्या हुआ, जो रिंग है वो तो बाहर बाहर ही है ना, रिंग में इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर ही है, तो रिंग का मतलब अलग होता है, सर्किल का मतलब अलग होता है, तो रिंग है। हाँ सर। ये रिंग है, रिंग एक्स वाई प्लेन में है। जैसे मान ले कोई रिंग ली तूने जो एकदम हॉरिजॉन्टल है, उसके सेंटर से बीच से तूने एक पैन पास किया, तो क्या पैन रिंग को टच करेगा क्या कभी? नहीं, नहीं करेगा ना। अब इसमें देख, इसमें नोडल सरफेस होती है। नोडल सरफेस कौन सी होती है, ध्यान से सुनना। ऐसी नोडल सरफेस होती है, दो नोडल सरफेस। कैसी? एक तो ऊपर होती है ऐसा, सेम ऐसी एक सरफेस होती है नीचे। इन सरफेस का शेप कैसा है? कॉनिकल शेप है। मतलब जो हमारा आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, एक कोन तो सीधा ऊपर है, एक कोन सीधा नीचे की साइड है ना, तो ऊपर एक नोडल सरफेस है और ऐसा ही नीचे एक नोडल सरफेस है। तो ये जो दोनों कोन जिस पॉइंट पर टच हो रहे हैं ना, वो पॉइंट इनका सेंटर है, जो रिंग का सेंटर है और जो लोब का सेंटर है, वो है ऐसा ही ऊपर से जा रहा है, ऐसा ही नीचे से जा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? बोलो। yes,
एक सेकंड रुको, अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं एक बार देखता हूँ कोई डायग्राम मुझे मिलता है तो। वेट करो, एक मिनट वेट करो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें ये इसका आइडिया तो है ना, डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो उसमें मैं तुम्हें ना बताता हूँ इसका। कल टेस्ट है ना तुम लोगों का? यस सर। पढ़ लिए या नहीं पढ़े, या आप पढ़ना शुरू करोगे? अब थोड़ा रिवाइज करना बाकी। देखो मैं तुम्हें ना एक चीज बता देता हूँ कि जैसे ना जो ये टेस्ट होते हैं ना, जो जेई वाले टेस्ट होते हैं, ये वाले, इनमें क्या सीन है कि ये टेस्ट हमारे वैसे टेस्ट नहीं है, बोर्ड वाले टेस्ट जैसे। इसमें कंटिन्यूअस स्टडी रखोगे ना तभी मार्क्स आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम चार दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करो और तुम्हारे मार्क्स आ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर रेगुलर बेस पे स्टडी करोगे तभी मार्क्स आएंगे। देखो अब इमेजिन कर पा रहे हो सर, ये पीडीएफ में ये इमेजेस नहीं दिखते उसमें, दिखाते हो क्यों नहीं दिखते? मैं भेजता हूँ उसमें दिखते हो। कौन सा मोबाइल है तुम्हारे पास? अभी देखो, अभी समझ आया कैसे नोड होंगे? एक कॉनिकल ऊपर, एक कॉनिकल नीचे, और ये कोन्स है ना टच नहीं कर रहे किसी भी को भी। फंडा क्लियर है? चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लूं या नहीं लूं, छोड़ो इतना ही काफी है ना। तो नोड जितने भी होते हैं इसमें, डी वाले नोड्स को मैं एक बार है ना बता देता हूं वापस से, नोड डाल के, या फिर नोड डाल के बताया था कि लास्ट टाइम नहीं, स्टार मार्क करके बता देता हूं। देखो क्या होता है हमारे पास डी में, हमारे पास देखो एंगुलर नोड की बात करें तो डी में हमारे पास एक्स वाई है, वाई जेड है, और डी जेड एक्स है। इन तीन की बात करते हैं सिर्फ। इन तीन में सभी में दो दो नोडल प्लेन होते हैं। डी एक्स वाई में होता है एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन, डी वाई जेड में होता है एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन, और डी जेड एक्स में होता है वाई जेड एंड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और बाकी उन दोनों में तो हम लोग अभी लिख नहीं सकते क्योंकि उन प्लेन का कोई नाम नहीं है। तो ये सारे क्या है? नोड का फंडा क्लियर है? बोलो। यस। ठीक है, कभी तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ सर। यस सर। सुना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम? हाँ सर। यस सर। चलो सुना है तो अच्छी बात है। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, देखो इस चैप्टर में अब हमारे पास बचा क्या है पढ़ने को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है, देन श्रोडिंजर इक्वेशन वाला पार्ट बचा है। ठीक है, ये दो ही चीजें बची है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
चलिए तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए हमें तीन रूल्स पता होने चाहिए। तीन रूल कौन कौन से? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड ऑफबो रूल, है ना। इस सुनने में बड़े भयानक डरावने से लग रहे हैं बट रूल्स बड़े सिंपल है। तो इसमें मेरा फर्स्ट रूल है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज पॉलीज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये रूल हमें दिया था। पॉली ने क्या बोला, बड़ी ही सिंपल सी बात बोली पॉली ने, क्या कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर इन एन ऑर्बिटल। ये बात बोली पॉली ने, तो इसको पढ़ लो और मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या बोला पॉली ने। बताओ, नहीं समझा? किसी को नहीं समझ आ रहा? किसी को भी नहीं? ये किसी ने क्या मैसेज किया है, सर हम थ्योरी कब से पढ़ेंगे? अरे कौन सी थ्योरी की बात कर रहा है सर्वेश? सर अब तक तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते आ रहे हैं, कैलकुलेशन से पूरा। अरे तो भाई मतलब चाहते क्या हो, कौन सी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तुम? सर वो दसवीं तक रट्टा मारते थे ना सर, वैसी थ्योरी। अरे भैया अभी भूल जाओ दसवीं तक की कहानी, तुम इलेवंथ में आ गए हो, तुमने साइंस मैथ्स लिया है, तुम आईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब पढ़ने का तरीका एकदम चेंज हो गया है ना। तो जैसा हम पढ़ाते जा रहे हैं बस उसको तन मन से स्वीकार कर लो और उसको बस पढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ अब देखो पॉली ने क्या बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर इन एन ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल में देखो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, ये मान लो सपोज करो ये 4s का ऑर्बिटल है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे होंगे, मैंने बताया था ऐसे फिल करना होता है इलेक्ट्रॉन को। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात करता हूं अलग अलग, एक बार मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं, एक बार मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं। एन एल एम एस इन सब की वैल्यू लिखूंगा। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एन का वैल्यू कितना है ये बता दो। फोर। फोर। एल का वैल्यू? जीरो से थ्री। अरे ओ भाई एस के लिए एल का वैल्यू जीरो होता है, एस के लिए एल का वैल्यू जीरो होता है ना हमेशा। हाँ हाँ सर। एम का वैल्यू? जीरो। जीरो। माइनस एल से प्लस एल होता है तो एल जीरो है तो जीरो। एस का वैल्यू? हाफ। हाफ नहीं, प्लस हाफ। प्लस हाफ। ऐसे ही दूसरे के लिए लिखे तो एन का वैल्यू तो फोर ही आएगा, एल का जीरो, एम का जीरो, बट एस का वैल्यू क्या आ गया? माइनस हाफ। ऐसा ही होगा, बोलो। यस सर। तो क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा। तो यही बात पॉली ने बोली कि चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं आएगा। तो बोले तो फिर आप, फिर तुम बोलोगे कि सर इसमें रूल ही क्या हुआ, ये तो हमेशा ही होगा कि एस का वैल्यू तो अलग अलग आना ही आना है ना, एस का वैल्यू तो हमेशा अलग ही आएगा क्योंकि एक प्लस हाफ स्पिन होगा एक माइनस हाफ स्पिन होगा, तो एस का वैल्यू तो कभी सेम आ ही नहीं सकता, तो मतलब हमेशा चारों क्वांटम नंबर तो सेम हो ही नहीं सकते, ये बोल रहे हो ना तुम।
बोलो। यस सर। तो यही बात ही तो हमें पॉली ने बताई थी कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन से बढ़ते हैं। मतलब मैं बोलता हूं क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज टू, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ये है मुद्दा मेन कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका अपोजिट स्पिन होगा। अगर मान लो कोई बोले कि नहीं मैं तो ऐसा फिल कर दूं, या तो ऐसा या ऐसा, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, नहीं, no. ये करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा। चलेगा कैसा? अपोजिट स्पिन वाला। ये बात किसने बोली? पॉली ने, जो हमने पढ़ ली। तो पॉली का रूल समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो नाम से बड़ा भयानक लग रहा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पर रूल बड़ा सिंपल था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, सेम नहीं होगा। समझ गए? सर वो स्पिन में yes, sir. डायरेक्शन, रिवॉल्यूशन की डायरेक्शन क्या? क्या क्या स्पिन मतलब? हाँ, वो एरो की डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के एरो फिल नहीं कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन में एरो फिल करने पड़ेंगे। सो मतलब जिस डायरेक्शन में एरो होगा इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में घूमेगा क्या? हाँ हाँ, वैसा ही मान लो। सेकंड रूल है हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये रूल थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें सुनने में अजीब लगे। तो देखो, पहले तो हम लोग बात करते हैं, इसमें इसमें एक दो चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो चीजें क्या है वो पहले सुन लो। यार एनर्जी के बारे में तो बात इसमें नहीं करनी ना, नहीं करनी। हाँ देखो, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल, हैव सेम एनर्जी एंड दीज आर नोन एज degenerate orbitals। ये वर्ड याद रखें, degenerate orbitals। कहीं पर भी ऐसा लिखा मिल जाए कि ये दो ऑर्बिटल degenerate orbital है, उसका मतलब क्या होगा? सॉरी बोलो। कहीं पर भी ऐसा लिखा सेम एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा? सेम एनर्जी। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम हो उनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। एक नई टर्म तुमने आज पढ़ ली, तो इसको याद रखो कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। और मैंने बोला है कि जो एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो सभी डी जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, सपोज करो तुम्हारे पास सबशेल है, सपोज करो तुम्हारे पास जो सबशेल है ना, सबशेल तुम्हारे पास है 3D तो ज्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा कौन लिखेगा। सपोज करो तुम्हारा सबशेल है 3P, तो 3P में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 3px 3py and 3pz। अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ऐसा मैंने अभी पढ़ा है कि जो
ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी जो पर्टिकुलर एक सबशेल के ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या 3px, 3py, 3pz आर degenerate orbitals. ऐसा बोल सकते हैं? बोलो yes, बोल सकता हूं ऐसा. चलो ये तो अभी तक degenerate orbital के बारे में मैंने बात करी है. अब मेन मुद्दा आता है कि रूल है क्या. अब रूल है क्या वो तो बताओ. तो चलो अब हम लोग बात करते हैं रूल के बारे में. रूल है क्या? रूल बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से सुनना. हम लोग बोलते हैं क्या, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ओनली व्हेन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ओनली व्हेन एवरी, तो मैं लिख ही चुका हूं, एवरी ऑर्बिटल इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन. One electron with same spin. ये मेरा रूल है क्या. In degenerate orbital, pairing of electron will start only when every orbital is having same electron. Every orbital is having one electron with same spin in all degenerate orbital. भी लिखते हैं. समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है ये? नहीं सर. हाँ सर. जैसे मान लो कोई तुम्हें बोले, मैं ना क्वेश्चन के हेल्प से ही समझाता हूँ ना, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं ज्यादा बेटर होगा. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल. हंट्स रूल क्या है, पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा सेम स्पिन के साथ. ये मेरा रूल है. अब देखो टोटल में 8 देता हूं तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जांपल से और समझ आ जाएगा ना. तुम्हें बताना है कौन रूल को फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा. पहले वाले में मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं ऐसे, दूसरे वाले में कर रहा हूं ऐसे, तीसरे वाले में कर रहा हूं ऐसे, चौथे वाले में कर रहा हूं ऐसे, फिफ्थ में ऐसे, सिक्स्थ में और सिक्स्थ वाले में ऐसे, सेवंथ ऐसे, एट्थ ऐसे. हाँ, कौन कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं कौन से नहीं. फर्स्ट वाला बताओ, रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. सर सब में 1L होना चाहिए. नहीं सर. क्या सब में क्या होना चाहिए? 1L होना चाहिए ना. 1L मतलब ये क्या होता है सर? आपने लिखा है ना फर्स्ट बॉक्स में. क्या लिखा है फर्स्ट बॉक्स में? 1L. 1L कहाँ लिखा है यार?
करो दो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स। वापस से बना देता हूँ यार। कौन सा गैजेट है तुम्हारे पास जिसमें देख रहे हो, डेस्कटॉप में देख रहे हो? हाँ सर। तो देखना इतना बड़ा बड़ा कहाँ दिख रहा है वनेल, देख। आपने क्या लिखा है सर? अरे भाई पी के तीन ऑर्बिटल बनाए हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से फिल कर दिए हैं, फिर सेकंड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करा है, थर्ड ऑर्बिटल खाली है। कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो, कहाँ दिख रहा है वनेल? वो एरोस है। एरो है भाई, एक ऐसा है एक ऐसा है। ओके सर। हाँ मुझे लगा सर तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे पता नहीं कि मतलब एकदम से तुमने, मैंने डायरेक्ट तुमको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ फर्स्ट वाला बताओ, हंट्स रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले वाले सर लास्ट ऑर्बिटल फिल नहीं है। सर लास्ट ऑर्बिटल फिल नहीं हुआ क्योंकि विदाउट सभी ऑर्बिटल को सेम स्पिन के साथ फिल किए बिना ही पेयरिंग स्टार्ट कर दिए, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड वाला? नो सर। क्यों नहीं? सर क्योंकि सेम टाइप ऑफ स्पिन नहीं है। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन तो है बट वो सेम स्पिन के साथ नहीं है, वो भी जरूरी है, सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये भी नहीं करेगा। थर्ड वाला? नहीं सर। No, sir. सारे ऑर्बिटल फिल किए बिना ही पेयरिंग स्टार्ट कर दिए, तो ये भी नहीं करेगा। फोर्थ वाला करेगा? यस सर। फोर्थ वाला करेगा, सभी में एक एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, सेम स्पिन का देन पेयरिंग हुई है, तो यस करेगा। फिफ्थ वाला? सही है। फिफ्थ वाला भी करेगा क्योंकि सभी में देखो सेम स्पिन से एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया देन ऐसे पेयरिंग स्टार्ट हुई है, तो वो भी करेगा। सेवंथ वाला करेगा सर। राइट है। सेवंथ वाला भी करेगा, सभी में एक एक स्पिन वाला सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है, यस है, देन पेयरिंग तुम आगे से स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करो, साइड से स्टार्ट करो, उससे मतलब नहीं है, वो करेगा। सेवंथ वाला करेगा सर। नहीं सर। करेगा यस, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन है तो कर रहा है। एट्थ वाला? Yes, नहीं करेगा। यस सर। एट्थ वाला भी करेगा, जरूरी नहीं है वो नाइन से तुम सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरो, तुम्हारी मर्जी है कहीं पर भी भर दो, सबके एनर्जी सेम है। पर सर वो सब ठीक है? नहीं है ना सर, दो ही इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स, दो ही। और क्या बोल रहा है? अरे तो मैंने ऐसा थोड़ी बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि सब में फिल करना है, मैंने बोला है कि पहले सभी में सेम स्पिन का फिल करो, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही दो है तो दो ही फिल करेगा ना वो। रूल है मेरा कि सभी में पहले सेम स्पिन वाले फिल कर दो देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है, समझिए। हाँ सर। किसी को डाउट तो नहीं है? तो सर फर्स्ट वाला क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि सभी में सेम स्पिन का भरा नहीं और पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दी। समझा सर। तो एट में कहां पे तीन तो खाली है, किसकी बात कर रहा है? सेवेंथ और एट। हाँ तो खाली है तो रहने देना, अब किसी के पास इलेक्ट्रॉन ही दो है तो दो ही फिल करेगा ना। रूल ये नहीं है कि सारे फिल करने हैं, रूल ये है कि पहले सेम स्पिन के फिल करने हैं देन पेयरिंग स्टार्ट करनी है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही दो है तो दो ही फिल करेगा ना वो, सारे कैसे फिल कर देगा, इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए फिल करने के लिए। बोलो भाई। हाँ सर। रूल ये नहीं है कि सारे फिल होने चाहिए, रूल ये है कि पहले सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन हो, जब वो सारे फिल हो जाए देन पेयरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पहले सारे फिल नहीं किए और पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दी। रूल ये नहीं है कि भाई पहले सारे फिल होने ही होने चाहिए, ऐसा रूल नहीं है, समझ गए? हाँ सर। चलो
तो होमवर्क तुम्हारा कुछ भी नहीं है, वापस अगेन क्लास तुम्हारा पेपर है, पेपर के लिए स्टडी करना है और जो मैंने आज पढ़ाया है नोट्स वगैरह उनके बारे में पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर, सर तो अभी हो गया, क्या बोल रहा है? तो अभी एंड करना है। हाँ हाँ एंड करना है यार, तुम्हारे क्लास में बच्चे चार बच्चे तो गायब हो गए पहले। चलो ठीक है ना, फिर आज आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, पढ़ लो तुम भी। टेस्ट होगा तुम्हारा मॉर्निंग ही होगा शायद ना, 9 to 12 कब होगा? 9 to 12 10:30 10:30 12:30 चलो आप फिर, ठीक है ना? थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू, ओके ओके।